नमस्कार दोस्तों, कल ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का देहांत हो गया। 96 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। और आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलने वाला है कि महारानी एलिजाबेथ है, उनके शव को क्या करेगा ब्रिटेन, कितने दिनों तक रखेगा, साथ ही उसके शव को अंतिम संस्कार से पहले क्या क्या किया जाएगा, और मेन अंत में जा कर के फिर क्या होगा। ये सब कुछ आपको बस 2 मिनट के वीडियो में जानने को मिलने वाला है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको कहीं भी किसी भी चैनल पे नहीं मिलने वाला है। दोस्तों बता दूं आपको कि उनकी कार्यकाल लगभग 76 साल का था जब वो पहली बार ब्रिटेन की महारानी बनी। उसके बाद उन्होंने 76 साल तक ब्रिटेन पे शासन किया था। अगर उनकी जीवन की बात करें तो 1926 में उनका जन्म हुआ था और 2022 में ख़त्म हुआ, यानी 96 साल का एक लंबा कार्यकाल चला। अब उनके मरने के बाद उनका जो पुत्र हैं, उनके जो बेटे प्रिंस चार्ल्स, वो संभालेंगे इस गद्दी को। और कहा यह जा रहा है कि उनकी जो शव है उनको 10 दिन तक रखा जाएगा। जी हाँ, 10 दिन तक, 3 दिन तक जो है वो सदन में रखा जाएगा, पार्लियामेंट में रखा जाएगा। उसके बाद से उनके बेटे जो है पूरे ब्रिटेन के जितने सारे शहर हैं सब में घूमेंगी, और उसके बाद जो अंत में जा कर के उनको दफनाया जाएगा। और जिस दिन दफनाया जाएगा उस दिन जो है एक, जो कह सकते हैं कि एक शोक दिवस मनाया जाएगा। उस दिन सारे स्कूल, कॉलेजेस हो, प्राइवेट जो भी हो, जो भी दुकान हो, सब कुछ पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी जो कह सकते हैं एक महारानी को श्रद्धांजलि होगी एक आम लोगों के द्वारा। और बहुत सारे लोगों ने ट्वीट करके उनके जो शोक जताया है, उनके परिवार के प्रति संवेदना जताई है कि उनके परिवार हमेशा से स्वस्थ रहें। तो दोस्तों एक बड़ी खबर, बहुत बड़ी अपडेट। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।